नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा ज्ञान में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आज हम बात करने वाले हैं, जो सामान्य ज्ञान राजस्थान या जीके है उसके बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि वो फर्स्ट ग्रेड में इनके आने के पूरी पूरी चांस है। मैं ये जो बताऊँगा इसमें से आपके समझ लो 2-3 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आएगा दोस्तों, लेकिन आपको इस वीडियो को ध्यान से वो देखना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास अभी समय है तो अभी इस वीडियो को देखिए, यदि आपके पास समय नहीं है तो इस वीडियो को आप बाद स्किप करके बाद में भी है वो देख सकते हैं। और दोस्तों एक आप ध्यान एकाग्र करके इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको जो सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उसके बारे में हम बताएंगे। और इस चैनल पर आपको सबसे पहले और सबसे तेज़ आपको नोट्स उपलब्ध कराएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आपको नोट चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर चाहिए। यदि उसमें देखेंगे कि आपका कितना रुझान है उसके हिसाब से हम नोट्स है वो हमारे पास तैयार किए हुए हैं, हम आपको देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा लेना, ताकि आप रह सके हर खबर से अपडेट जो शिक्षा संबंधित सभी जानकारी के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम का जमाव कहाँ मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सबसे बड़ा जो जिप्सम है उसका जमाव मिलता है जामसर है, जो बीकानेर के अंदर है वहाँ पे ये मिलता है। और राजस्थान में जो हीरे के भंडारों खोज कहाँ हुई, तो दोस्तों हीरे के भंडारों खोज हुई थी वो कश्यपुरा है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, राजस्थान के हीरों की है वो खोज हुई थी। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि समझ लो केसरपुरा के अंदर है वो किसकी खोज हुई थी, दोस्तों यहाँ पे हीरे के भंडार की वो खोज हुई थी और यहाँ पे अभी भी है वो हीरे निकलते हैं। और राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ राजस्थान में जो बेंटोनाइट के भंडार स्थित है वो झालावाड़ के अंदर है, वो स्थित है झालावाड़ के जो इंडस्ट्री एरिया है उसके अंदर ये स्थित है। और सोनू जैसलमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सोनू जैसलमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चूना पत्थर यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं इसके लिए, चूना पत्थर के लिए ये प्रसिद्ध है। और किस क्षेत्र में पीला इमारती पत्थर मिलते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो क्षेत्र पीला इमारती पत्थर यानी जो पीले पत्थर मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंदर है वो मिलते हैं। और अब इसमें बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला राजस्थान का खनिज कौन सा है, यानी सर्वाधिक जो विक्रय होता है वो, तो आपको बता दूं संगमरमर जो आपको पता ही है ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कि ये परबतसर किशनगढ़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है संगमरमर। आपको ये भी पूछ लिया जाए कि संगमरमर सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्थित है, तो आपको इसका जवाब किशनगढ़ परबतसर है वो देना होगा। और राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है, यानी जो शीशे है उसकी सबसे बड़ी खान है वो जावर है, जावर के अंदर है वो सबसे बड़े शीशे की है वो खान है। और राजस्थान में काला पत्थर बहुतायत में कहाँ पाया जाता है, यानी काला पत्थर, तो ये सिरोही के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपने देखा होगा जो सिरोही की चोटी है वो सबसे बड़ी चोटी इमारतें हैं वो मानी गई है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये काला पत्थर है वो होता है। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 1970 में ये जयपुर में वो की गई थी ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत। और मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 के मध्य है वो किया गया था, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। यदि आपको इसमें समझ लो 77-78 नहीं दिया गया हो, यदि आपको 1978 भी दिया गया हो तो वो भी है वो सही आंसर होगा। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाओं कितनी योजनाओं का समावेश कर दिया गया, तो यहाँ पर जो समावेश कर दिया गया था वो 6 योजनाओं का है वो समावेश कर दिया गया था। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2006 में मनरेगा है उसकी शुरुआत है वो ग्रामीण क्षेत्र से हुई थी। और डाक और ये जो शुरू की थी वो की थी वसुंधरा राजे ने। और डांग प्रदेशासिक विकास बोर्ड का कार्य क्षेत्र कौन सा है, तो ये है कोटा और भरतपुर संभाग कार्य क्षेत्र है। और किस योजना के द्वारा लघु और सीमांत कस्बों की सिंचाई है वो होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें कार्य सहायता में दी जाती है वो जीवनधारा योजना इसमें होगा। गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को मानक बन गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2400 कैलोरी है वो मानक मन है वो बन गया था। गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को मानक बन गया है, तो 2100 कैलोरी है वो प्रतिदिन
माना गया वो मन गया है। वो डीटी लकड़ावाला ने किस फॉर्मूले का निर्माण किया था? तो दोस्तों आपको बता दूँ, निर्धनता मापन का फॉर्मूला है वो निर्माण किया था। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसको आप याद जरूर रखिएगा। 342,239 वर्ग किमी ये है। और इसकी वर्ग मील की बात करें तो आपको वर्ग मील भी इसमें पूछा जा सकता है, तो 132,139 वर्ग मील इसमें आंसर होगा। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति तो ये 23 सेल्सियस 30 एवं 30 सेल्सियस 12 उत्तरी अक्षांश और 69 सेल्सियस 30 एवं 78 सेल्सियस 70 पूरी देशांतर के मध्य राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। राजस्थान की लंबाई कितनी है? ये भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पूर्व से पश्चिम तक है 869 किमी और उत्तर से दक्षिण है 826 किमी। तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के किस क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आपको आंसर देना है। और जो हमने ये क्वेश्चन बताया आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इसको आप ज़रूर है वो एक बार दो बार तीन बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसी नोट्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।